हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसका पार्ट 3। और जो आपकी रनिंग में एक्सरसाइज है बेटा, कौन सी है? एक्सरसाइज 3.1। तो इसके मैंने लगभग आपको कल 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपको करा दिए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको सिंपल क्लोइड फिगर बताया था, तो सिंपल क्लोइड फिगर के बारे में बताया था, तो मैंने सिंपल क्लोइड फिगर बताए थे आपको, और पॉलीगॉन भी बताया था, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आप लोगों को, शायद आपको ध्यान हो। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्रायंगल्स के, केवल आप देखिए और ध्यान से उनको समझिए समझे और आपको कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ओके, तो जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है आपका बेटा, वो है इफ द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। तो इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल if the angle of a triangle are in the ratio 2:3:4, find the angles. तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊं, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताता हूं, ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो आप थ्री लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होता है। तो पॉलीगन उसमें थ्री साइड हो गई, कितनी साइड? थ्री साइड। तो जैसे हम कह सकते हैं कि उनके जो एंगल्स का सम होता है ना बेटा, तीनों साइड का एंगल होता है, तो उनका जो सम होता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का, वो टोटली सम होता है 180। किसके बराबर होता है? 180। यस, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको बताया गया है जो तीनों एंगल है उसके, तो एक एंगल को 2, 3 और 4 रेशियो में बांटा गया है, तो उनका जो सम होगा वो भी कितना हुआ? 180 हुआ। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट एंगल्स एक्स, तो इससे रेशियो में रखेंगे तो कितना आएगा? 2x 3x और 4x। जैसे मैं मान लू ट्रायंगल मान लिया मैंने, जैसे ये मान लिया ट्रायंगल मान लिया, इसमें ये वाला एंगल है वो कितना है? 4x है, ये 2x है, ये 3x है, ऐसे मान लो। सॉरी, आप इसको ये मान लिया मैंने, आप इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो। लेट मानने के लिए बताया गया, केवल समझने के लिए, इसको 2x, इसको 3x, इसको 4x, साइड भी है जो ए बी और सी। जब मैं देखता हूँ कि मेरे इंटरनल जो सम होता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का वो कितना होता है, तो 180 सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180। तो एंगल कितने हुए? 2x 3x और 4x। तो 2x 3x 4x 180, तो 4, 3, 2, 7 और 2, 9, 9x इक्वल कितना है? 180।
तो जो x इक्वल टू आएगा कितना आएगा 180 बाई 9 20 कितना आएगा 20। जो x आएगा कितना आएगा 20। तो एंगल्स कितने माने जाएंगे फर्स्ट एंगल 2x 3x और 4x। तो अगर आप यहां पर रखोगे 9 तो 2x 2 into 20 40 3x 3 into 20 60 4x 4 into 20 80। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आया 40 60 और 80, क्योंकि जो सम ऑफ ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 180। तो मैंने उसमें रखा 2x 3x और 4x 180। तो जो ऐड करके देखा तो 9x = 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 20। x की वैल्यू 20 आई तो मैंने एंगल कौन कौन से ऐड किए थे 2x 3x और 4x। तो उनमें मैंने वैल्यू रखी 2 की जगह 2 x की जगह 20 40। कैलकुलेशन किया तो उसका आंसर आया 40 60 और 80। आप इसको नोट कीजिए और कॉपी कीजिए बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल इज 40, फाइंड द अदर टू एंगल्स। तो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसकी खास पहचान होती है क्या होती है? तो जो वो ट्रायंगल होता है तो उसमें जो दो साइड होती है ना बेटा वो इक्वल होती है। दो साइड क्या होती है इक्वल, और थर्ड साइड क्या होती है अलग होती है। तो उनके जो एंगल होते हैं वो दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा एंगल अलग होता है। तो उसने कहा क्या कहा है कि वर्टिकल एंगल उसका 40 दे रखा है, तो अदर दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो मैं आपको सबसे बेटर पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल इज 40, द वर्टिकल एंगल इज 40, द वर्टिकल एंगल इज 40, फाइंड द अदर, फाइंड द अदर टू एंगल्स, फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। In an isosceles triangle, the vertical angle is 40. Find the other two angles of the triangles. ये आपको find करना है। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले बेटा हम क्या मानेंगे? Let जो same angle होंगे ना, जो same angle होंगे let जो same angle होंगे वो क्या मानेंगे? X। ठीक है, तो आपको अदर जो तीसरा थर्ड एंगल दे रखा है कितना देखा है 40, अदर 40 एंगल है, मैंने एक्स भी मान दिया। तो दोनों एक्स एक्स आएंगे क्योंकि दो सेम एंगल होते हैं उसमें एक अदर होता है। तो ट्रायंगल्स की सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 x plus 40 180 तो तुम्हें 2x plus 40 equals to 180। तो 2x equals to 180 minus k 40। इसको जब माइनस करें कितना आएगा देखना, 80 180 में 40 माइनस हुआ तो 140।
x इक्वल 140, x इक्वल 140 अपॉन 270, x की वैल्यू कितनी आई 70, एक की कितनी आई 70, दूसरे वाले की कितनी होगी 70, x इक्वल 70 और 70 और ये कितना था 40, तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल जो तीनों की वैल्यू कितनी है 70 और 40। तो जो नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू शो ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व आप जानते हो कोई भी मान लो, ठीक है, ये भी ओपन कर्व होगा, क्लोज कर्व कैसा होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ये होगा क्लोज कर्व। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कॉल करा दूंगा, आप इसको रख के लिए नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया इसको, मैं रख करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, सिक्स वाले क्वेश्चन में केवल यही था, ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू शो ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। तो सेवन वाला क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताई दिया कैसे करना है, इन ट्रायंगल जे ए एम इफ थ्री एंगल जे इक्वल टू फोर एंगल ए Find all the angles. सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे क्या है, थ्री एंगल जे फोर एंगल ए सिक्स एंगल एम, मुझे नीचे समय सेव करना है, रिज्यूम में करना है ना वो, तो इनका एलसीएम आएगा, पहले सबसे पहले तीन चार और छह, तो थ्री फोर सिक्स एट का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम में 12 आएगा, मैं 12 से क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, 12 से डिवाइड करेंगे, थ्री या थ्री थ्री पूछा 12 वन थ्री वन और टू, तो ये क्या आएगा एंगल जे बाई फोर एंगल ए बाई थ्री एंगल एम बाई टू, ठीक है। इनका लेट एक्स x, तो एंगल जे कितना हो जाएगा 4x, एंगल ए 3x क्योंकि यहां पे 3 है, एंगल m 2x, सम ऑफ एंगल्स तो 4x 3x प्लस 2x इसको शू 180 कितना आएगा 9x 180, x इक्वल टू 180 बाई 920, तो x की वैल्यू कितनी आई 20, तो ये कितना आएगा एंगल जे, कितना आएगा एंगल जे, क्योंकि 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 20 लगभग 80, एंड एंगल एंगल ए सॉरी एंगल है ये क्या बना रहा हूँ सॉरी और तो मिस्टेक नहीं कर दिया हमने, यहाँ पर ये एंगल है बेटा, ठीक है, तो एंगल और यहाँ पर ना है एंगल है 3x मैंने 3 60 और एंगल एम कितना आएगा 2x 20 40, एक 40 आएगा, एक 60 आएगा, एक 80 आएगा, जो इसका आंसर है वो क्या है 80 60 और 40, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो आज आपकी कंप्लीट होती है, अब इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 3.2 एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है।